ये खुशियों का समय है क्योंकि बच्चों ने अपनी बुलंदियों का पहला पड़ाव पार कर लिया है। अभी बहुत सारी बुलंदियों को छूना बाकी है, लेकिन उससे पहले तमाम बच्चों का ये जश्न, ये उत्साह तो बनता है क्योंकि सीबीएसई प्लस टू का रिजल्ट आ चुका है और बच्चों ने बेहतरीन रिजल्ट हासिल किया है। अगर बात की जाए बिजनेस स्टडी की, इकोनॉमिक्स की, तो 9 बच्चे ऐसे हैं बत्रा बिजनेस क्लासेस के जिन्होंने 100/100 अंक हासिल किए हैं, जबकि 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 95 से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। और उनकी जो गुरु हैं, जो उनकी मैम है मीता बत्रा मैम, जो पिछले कई सालों से लगातार एक अच्छा रिजल्ट दे रही हैं ताकि बच्चे भी खुश हैं और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स भी खुश हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बच्चों की खुशी तो बनती है और उसी खुशी के लिए मुंह मीठा किया जा रहा है और बच्चों से बात करेंगे, साथ ही साथ उनकी जो मैम है उनसे भी बात करेंगे। क्या रिजल्ट रहा आपका, किसका श्रेय जाता है और कितनी मेहनत लगी और आगे की क्या तैयारी? सारा जितना भी श्रेय है वो सारा टीचर्स को ही जाता है क्योंकि टीचर्स काफ़ी मेहनत करते हैं हम पे, उसी की वजह से हम इतना अच्छा स्कोर ला पाते हैं। और मीता मैम का तो बहुत स्कोर रहा था, बहुत सपोर्ट रहा है हमें, हमेशा बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी किया था और हमेशा हमें बोला कि ड्रीम बिग, कभी भी छोटे गोल्स मत बनाओ, हमेशा बड़े गोल्स बनाओ। एंड दैट्स द रीज़न वाई आई स्कोर 92.2% इन माई 12th स्टैंडर्ड। एंड मुझे तो मैम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, मतलब अलग बुलाकर भी बहुत समझाया करते थे कि यू नो मैं चाहती हूँ तेरे आए, ऐसे प्रॉपर बैठ के समझाते थे, ऐसे वो सबको कहते थे। मुझे लगता है मैं स्पेशल थी, मुझे तो बहुत कहते थे कि भाई मैं चाहती हूँ तेरे आए। शी हैड रियली मतलब होप्स फ्रॉम मी एंड आई थिंक मैम खुश है मुझसे। आपका क्या रिजल्ट रहा वो भी बता दीजिए और अब आगे क्या करना है, डीयू जाना है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जाना है या कुछ अलग करना है? मेरे बिजनेस स्टडीज़ में 100 मार्क्स आए हैं और ये सिर्फ मैम की वजह से आए हैं। मैम हैज़ ऑलवेज मोटिवेटेड मी टू गेट 100 मार्क्स एंड अब आगे तो अभी फ़ौरन जाने की तैयारी है अभी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या रिजल्ट रहा और कितना समय दोस्तों से थोड़ा सा दूर रहकर, सोशल मीडिया से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर, अपने गोल पर फोकस किया? माय नेम इज गरिमा एंड आई हैव स्कोर 90 इन बिजनेस स्टडीज एंड दे आर ऑल बिकॉज ऑफ मैम, बिकॉज आवर एफर्ट्स वर ऑलवेज देयर अलोंग विद द गाइडेंस ऑफ मैम। शी हैज ऑलवेज सपोर्टेड अस एंड एक्चुअली वी हैड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया ऑफ कोर्स बिकॉज वी वांटेड टू गेट high scores and that is all because of ma'am. She has always motivated me and I'm very grateful and thankful to her for being the part of my journey. Thank you. बच्चे भले ही कह रहे हो कि पूरा सहयोग मैम का है, मैम का सहयोग है, लेकिन बच्चों की भी मेहनत है, उनके पेरेंट्स की भी मेहनत है। आपका क्या रिजल्ट रहा और कितनी खुशी है, पेरेंट्स कितने खुश हुए? Hi, I'm Tanishka Goyal. I have scored 99 marks in business studies and I feel like the whole credit goes to Meeta ma'am. She is so hardworking and she's has always been like a mother to us. Thank you so much. जिस तरीके से बच्चों के हाथ में ये शील्ड है, उनका एक ये पहला पड़ाव है जिंदगी का, लेकिन उन बच्चों के लिए मैं हमेशा एक संदेश देता हूँ जिनकी कंपार्टमेंट आई है या जो फेल हुए हैं या जिनके कम नंबर आए, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारे और मौके हैं जहां पर आप कुछ लक्ष्य लेकर चल सकते हैं और उन्हें हासिल कर सकते हैं। क्या स्कोर रहा और पेरेंट्स कितने खुश हुए, अब आगे कहाँ जाना? माय नेम इज अंश नेजा, आई हैव स्कोर्ड ओवरऑल 95% इन क्लास 12th एंड स्पेसिफिकली 97 मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज। मीता मैम का तो सबसे बड़ा हाथ था ही, सबसे ज़्यादा पुश ही मीता मैम ने की है। मैं वैसे सही बता रहा हूँ, इतना पढ़ने वाला हूँ नहीं मैं, बस मैम ने पुश करे तो मैं पढ़ लिया। मेरे उम्मीद से बहुत ज़्यादा मार्क्स आए, मेरे मतलब फोकस तो था कि मेरे 90 प्लस आ जाए, बट 97 तो एक तरह से मेरा ड्रीम था और 95% मार्क्स तो एक तरह से। कई बार इंसान को लगता है कि उसके अंदर टैलेंट नहीं है, कोई साथ जब कंधे पर ऐसे हाथ रख देता है तो फिर उसकी नैया पार हो जाती है और ऐसा अक्सर होता है। मीता मैम हमारे साथ हैं और ऐसे तमाम और बच्चे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले मीता मैम से बात कर लेते हैं। मैम हर साल देख रहे हैं बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इस बार थोड़ा सा पैटर्न अलग था, 2019 के बाद कोरोना, बीच में 2 साल एग्जाम नहीं हुए, तो कितनी मुश्किल थी और किस तरीके से बच्चों को समझाया और उनका स्कोर आया? सिर्फ उनकी काउंसलिंग थी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनको थोड़ा सा काउंसिल किया। ऑल द चिल्ड्रन आर वेरी हार्ड वर्किंग,
मेरे एफर्ट्स थे, आई ऑलवेज थे कि इनका जो इनके मार्क्स हैं इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर हार्डवर्क. इट्स ओनली मेरी तरफ से थोड़ा पुश था एंड रेस्ट इनके हार्डवर्क से दे हैव डन एंड दे हैव स्कोर्ड वेल. आगे के लिए बच्चों को एक संदेश और किस तरीके से आपने एक तैयारी करवाई है कि जो DU जाना चाहता है या किसी और जगह जाकर पढ़ना चाहता है, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है? एज अब हमारे लिए CUET भी उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि और उसके लिए डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है. वट एवर यू स्टडी आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको बिल्कुल एक एक जो लाइन बुक में है उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. व्हेन यू हैव द कंसेप्ट क्लैरिटी, व्हेन यू कैन मेक इट अराउंड विद द प्रैक्टिकल नॉलेज, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है. बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स आर टू इजी, लेकिन सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी. एक संदेश जिन बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आए लेकिन अभी भी उनके पास बहुत अच्छे अच्छे मौके शायद जिंदगी में आएंगे. हाँ, ये दिस इज ट्रू कि यहाँ पे हमारी ये 12th में आने से दुनिया रुक नहीं गई, लेकिन हाँ दे कैन इफ दे वर्क हार्ड डेफिनेटली दे विल डू बेटर. और ऐसा कुछ नहीं, दे कैन डू इन CUET एग्जाम, दे कैन डू बेटर. अगर अब ये चाहते हैं तो वो अपना CUET एग्जाम लेंगे, डेफिनेटली दे विल स्कोर द वेरी गुड मार्क्स. अगर आप +1 में हैं, अगर या आप +2 के अंदर हैं और आप कोशिश कर रहे हैं एक अच्छे सेंटर की जहां पर आपकी पढ़ाई और अच्छे तरीके से हो सके, तो बत्रा बिजनेस क्लासेज जो करनाल में प्रताप पब्लिक स्कूल के ठीक बिल्कुल सामने घर है, वहां पर मीता बत्रा मैम का घर है, जर्नैली कॉलोनी में ये घर पड़ता है. कैसा रहा रिजल्ट और पेरेंट्स कितने खुश हुए? पेरेंट्स तो बहुत खुश थे सर, और जो इसका पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन है पहले तो भगवान को और अपने पेरेंट्स को ही दूंगा मैं, और सेकेंडली जो मतलब गाइड किया है और जो समझाया मैम ने, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आया था जब CUET की अनाउंसमेंट हुई थी तो हमने सोचा कि यार अब तो +2 की कोई मतलब नीड ही नहीं है, तो उस टाइम हम नीड बहुत है. नहीं सुनो आप सुनो, तो आप सुनते नहीं हो सर. उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम जैसे हम कंफ्यूज हो गए थे, डीमोटिवेट हो गए, तो मैम को हमने कॉल किया. मैम ने कहा कि आप एक काम करो, मैं ना आपको टाइम देती हूँ पर्टिकुलर, तो आप आ जाओ. तो मैम के साथ हमने चाय पी के डिस्कस किया कि मैम क्या करना चाहिए, तो मैम ने हमको मोटिवेट किया, सही गाइडेंस दी, तो उसमें और साथ में जो प्रैक्टिकलिटी से मैम ने पढ़ाया मतलब कमेंडेबल है. जाहिर सी बात है पढ़ाई के साथ साथ एक मोटिवेशन जरूरी होता है ताकि बच्चे अंदर से जाग सकें कि यार रिजल्ट अच्छा लेकर आना है. इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. हर बार की तरह इस बार भी बत्रा बिजनेस क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया, और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं इन सभी स्टूडेंट्स को जिनके हाथ में आप लोग शील्ड देख पा रहे हैं, और किस तरह से मीता बत्रा मैम ने इन सभी बच्चों का मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया है. चाहे मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, ये लोग भी बहुत खुश हैं, सबने मेहनत की. वहीं साथ ही साथ जो टीचर है वो भी बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि उन्होंने भी मेहनत की और बच्चों ने जो रंग लाकर दिखाया इतना अच्छा स्कोर किया है. तो आइए उन सबसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ स्कोर है, आगे का क्या कुछ उनका फ्यूचर प्लानिंग्स है. तो क्या नाम है आपका और क्या बताएंगे, क्या स्कोर किया और आगे की क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? आई एम स्नेहा एंड आई गोट 98 मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज, एंड ये सब बस मैम की वजह से ही हुआ है क्योंकि मैम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एंड और हार्डवर्किंग है, और उन्होंने हमारे इतने सारे मॉक टेस्ट कंडक्ट किए, इतनी सारी तैयारी करवाई, इसलिए हमारे इतने अच्छे मार्क्स आ पाए हैं मैम की वजह से. तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपने कितना स्कोर किया और किसे ये कितना क्रेडिट देना चाहेंगी? हाई, माई नेम इज जिया कतियाल एंड आई स्कोर 99. आई लाइक टू गिव ऑल द क्रेडिट टू मीता मैम बिकॉज द टॉयल एंड एफर्ट दैट शी इज पुट इन, नोबडी कुड डू दिस फॉर अस. शी इज द ओनली वन हु इज गिवन द मोटिवेशन एंड द पुश फॉर टू ऑल ऑफ अस टू स्कोर दिस वेल. थैंक यू. जी हाँ, स्कोर अच्छा लाने के लिए मेहनत के साथ साथ स्टडी करने के साथ साथ मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है. तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि मोटिवेशन कितनी ज्यादा मैम से मिली या कुछ आसपास से फ्रेंड्स से भी होते हैं, पेरेंट्स से होते हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? माय नेम इज कृतिका, आई हैव स्कोर 99 एट बिजनेस स्टडीज. ये सब सिर्फ मैम की वजह से हुआ है. मुझे नहीं लगता था मेरी बिजनेस स्टडीज बहुत अच्छी है, पर थ्योरी सब्जेक्ट में मुझे बहुत मुश्किल आती थी, तो ये सब मैम की वजह से ही है. मैम ने बहुत मोटिवेट किया और आई विश एवरीवन द बेस्ट. जी हाँ, बहुत अच्छा स्कोर किया. तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपने क्या कुछ स्कोर किया और आगे की क्या कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स है आपकी? माय नेम इज अनीश एंड आई हैव स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन बिजनेस स्टडीज. दैट इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ मैम हु हैड हेल्प्ड अस सो मच, एंड बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क आल्सो शी हैज मोटिवेटेड अस, आवर पेरेंट्स आल्सो मोटिवेटेड अस, एंड दैट इज व्हाट वी हैव अचीव्ड टुडे. थैंक यू सो मच.
तो आपका क्या नाम है, आपने कितना स्कोर किया, और अभी जो बच्चे 12th की तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम्स की, तो उनको क्या कुछ आप अपनी तरफ से टिप्स देना चाहेंगे? माय नेम इज विशेष एंड आई हैव स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन बिजनेस स्टडीज एंड ऑल क्रेडिट गोज टू मीता मैम, शी हैज मोटिवेटेड अस टू पुश फॉरवर्ड आवर एफर्ट्स एंड आई शुड प्रेफर ऑल द स्टूडेंट्स टू कम हियर एंड हैव सम कोचिंग विद हिम, थैंक यू। जी हाँ, मुझे लगता है इन सभी स्टूडेंट से आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाली है। आप लोग भी मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम इतना ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं, तो कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। तो आपका क्या नाम है, आपने कितना स्कोर किया, और किसे ये सारा क्रेडिट देना चाहेंगे? हेलो, माय नेम इज तनीश एंड आई हैव स्कोर 95 आउट ऑफ 100 इन बिजनेस स्टडीज एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू मीता मैम। वो हर वक्त थे हमारे साथ हमें मोटिवेट करने के लिए, बैक एंड पे हर वक्त वो सपोर्ट करते थे, कोई नॉट इवन बिजनेस, हर सब्जेक्ट में मैम ने हमारे को हेल्प करी है और हमेशा मैम इंस्पायर करते थे, पुश करते थे हमें कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। थैंक यू। मैम ने एवरी टाइम पुश करा हमें, हर बार हमने पुश ही करा हमने कि आप कर सकते हो, कर सकते हो, एंड इट्स थैंक यू मैम फॉर एवरीथिंग। थैंक यू मैम। ये बहुत जरूरी होता है जब एक टीचर कहती है कि आप कर सकते हो, जब खुद पर डाउट होता है इंसान को तो, लेकिन एक टीचर ही होता है, गुरु होता है जो आपको समझाता है कि नहीं आप कर सकते हो। और देख सकते हैं ये चेहरे कि इनका इतना अच्छा स्कोर है। तो आपका क्या स्कोर है, क्या नाम है आपका, और क्या कुछ कहना चाहिए? कमलजीत सिंह संधू है और मेरे 97.4% मार्क्स आए हैं, और बस मीता बत्रा मैम की वजह से आए हैं, उन्होंने हर टाइम सपोर्ट किया, और बाकी इतनी पढ़ाई करी तो नहीं थी, चलो इतने आगे भगवान की कृपा, और बस यही। तो काफी लोग इतना कह रहे हैं, इतना सोचा नहीं था, उम्मीद नहीं थी, लेकिन काफी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा स्कोर आ गया है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपने कितना स्कोर किया और फ्यूचर की क्या कुछ प्लानिंग्स हैं आपकी? हेलो, माय नेम इज केशव एंड आई हैव स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन बिजनेस स्टडीज और मेरे ओवरऑल 94.2% मार्क्स आया है। मैं थैंकफुल हूँ मीता बत्रा मैम का कि उन्होंने मुझे हेल्प करा मेरी स्टडीज में, जिस कभी कभार जैसे मेरे को कुछ आता नहीं था तो मुझे पर्सनली कॉल करती थी, बुलाती थी, मुझे सारा कुछ समझाया उन्होंने। और फ्यूचर में बस अभी मैंने CUET का प्लान करा है कि CUET देंगे और कोई सेंट्रल अच्छी यूनिवर्सिटी में उसमें एडमिशन मिल जाएगा, तो यही सब है। काफी अच्छे फ्यूचर प्लान्स भी हैं सब लोगों के, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना स्कोर किया और किसे ये क्रेडिट देना चाहेंगे? मैं सेल्फ फंक्शनल और मेरे टोटल 94.4% आए हैं। तो काफी लोग ये सोचते हैं वीडियो देखते टाइम कि भाई किसी टीचर ने कहा होगा कि भाई यहाँ की सेंटर की तारीफ करो, बट काफी सेंटर्स करते भी हैं करनाल में, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। मैम रियली सपोर्टेड अस, मैम ने हर फील्ड में, मेरे पास इवन 11th से मैथ नहीं थी, 12th में सितंबर में मैम ने मेरे को कहा कि भाई डी यूनिवर्सिटी में विदाउट मैथ एडमिशन नहीं हो सकता, तो मैम ने मेरे को मैथ दिलाई, फिजिकल एजुकेशन से फाइन आर्ट्स में मेरा शिफ्ट करवाया ताकि मेरी परसेंटेज और इंक्रीज होए। तो वर्ड्स में आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स कि मैम ने कितना सपोर्ट करा हमें। तो गाइडेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिस तरह से स्टूडेंट्स बता रहे हैं, बहुत बार आपको कंफ्यूजन होती है आपको कौन सी राह चुननी है, अभी भी 12th के बाद आप लोगों को कहाँ जाना है, तो वो भी यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से गाइडेंस की जाएगी। और सभी मेरे पीछे देख सकते हैं स्टूडेंट्स के फेस पर स्माइल देख सकते हैं, मेहनत की वो रंग लाई है, टीचर्स भी खुश हैं और साथ ही साथ सभी बच्चे भी खुश हैं। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वहीं अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह से आपका स्कोर आए तो आप लोग भी बत्रा बिजनेस क्लासेस में आ सकते हैं जो कि जर्नैली कॉलोनी में मौजूद है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लगातार लाइव तस्वीरों में देख ही रहे थे कि बत्रा क्लासेस के बच्चों ने कितना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, तो हम उन्हीं के कुछ विद्यार्थियों से बात करना चाहेंगे। आपने कितने स्कोर किए और आपका क्या नाम है? मेरा नाम गरिमा है एंड आई हैव स्कोर 90 इन बिजनेस स्टडीज एंड द जर्नी वॉज वेरी ग्रेटफुल बिकॉज ऑफ मैम। इट वॉज आर एफर्ट्स बट अलॉन्ग विद हर गाइडेंस ओनली, शी हैज़ ऑलवेज मोटिवेटेड अस टू कीप गोइंग ऑन आर जर्नी एंड शी हैज़ ऑल्सो लाइक देर वॉज अ ग्रेट डिफरेंस इन दिस ईयर बिकॉज वी हैव टू गो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, सो दैट वॉज अ ऑल्सो पार्ट वेर शी एक्चुअली मोटिवेटेड अस द मोस्ट एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हर एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर। जैसा कि आपने इस बच्चे से सुना ही होगा कि ये बत्रा मैम के लिए ऐसे कह रही कि उन्होंने हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया और उन्होंने उनका सहयोग करा है। हम ऐसे ही अगले एक और विद्यार्थी से बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। हाय, माय नेम इज आरव गर्ग एंड आई गॉट 92 इन बिजनेस एंड कम्प्लीटली मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था इतने बिजनेस में आएंगे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मतलब एंड में ही पढ़ा हूँ हमेशा, और फोन वगैरह तो उसके आगे छूटती नहीं थी, तो एटलीस्ट जब रात को 1-2 बजे में मैम को कॉल करा तो उन्होंने मतलब पूरा एक्सप्लेन करा जो भी टॉपिक अगर क्वेरी हो, तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि मतलब बत्रा मैम के पास ही आएँ और मतलब कोई कमी नहीं रही थी, मतलब प्रॉपर एजुकेशन थी।
तो जैसा कि आपने इन विद्यार्थी से सुना होगा कि बत्रा मैम के बारे में और उनकी कोचिंग के बारे में उनका सब कुछ बताया गया है, आप सभी से यह अनुरोध करूंगी कि बत्रा बिजनेस क्लासेस में जरूर एक बारी विजिट करें। और ये जनरली कॉलोनी में है, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।